हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब मैं पूनम स्वागत करती हूं आपका लेट्स स्लोग विद पूनम में आज मैं शेयर कर रही हूं आप सबके साथ एक और नई रेसिपी आज हम बनाएंगे बैंगन का भत्ता जिसे हम बिना प्याज बिना लहसुन और बिना बैंगन को भुने बनाएंगे और बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ तो जलिए बनाते हैं सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए बैंगन ये ढाई सौ ग्राम के करीब है हमें इसका छिलका उतार लेना है सबसे पहले हम ऊपर से इसका नाकू निकाल लेंगे और इसको हमें इस तरह से छिलका उतार करके लेना है जैसे ही हमारे इस बैंगन का छिलका उतर जाएगा उसके बाद हम इसको कट करके देख लेंगे कि बीच में से कीड़ा वगैरह तो नहीं है अब इसमें देख लेंगे इस तरह से और इसको हमें लंबे लंबे पीसीस में कट कर लेना है और ये लंबा है तो इसलिए मैंने इसको दो पीसीस में इस तरह से कट कर लिया यहाँ पर सारे बैंगन हमारे कट हो गए हैं अब इसको हम डाल देते हैं पानी में यहाँ पर मैंने पानी लिया है इसको वॉश हो जाएगा साथ में और ये काला भी नहीं पड़ेगा और इसको हम रख देते हैं तब तक बाकी की तैयारियां कर लेते हैं यहां पर लिया दो बड़े चम्मच सरसों का तेल इसमें डाल देते हैं हम जीरा जीरा हमने एक चम्मच डाला है जैसे हमारा जीरा चटक जाएगा इसमें डाल देते हैं हम बैंगन जो हमने वॉश करके रखे थे इसको मैंने पानी से पहले निकाल लिया था और सारे बैंगन इसी तरह से डाल देंगे अब इसको हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर एक मिनट के लिए लगातार फ्राई करना है तेल में जैसे हमारे एक मिनट हो जाएंगे यहाँ पर देखिए बैंगन अच्छे से फ्राई हो गए अब इसमें डाल देते हैं एक चम्मच यहाँ पर ग्रेट किया हुआ अदरक इसमें डाल देते हैं तीन मिर्च मैंने इस तरह से लंबे कट करके ली है और ये दो बड़े साइज के टमाटर लिए थे इसको भी हमने रफली कट करके डाल दिया है इसको भी हम बैंगन के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे अब इसमें डालेंगे हम मसाले मसाले यहाँ पर हमें बहुत ही कम यूज़ करना है इसमें डालेंगे नमक नमक आप स्वाद के अनुसार यूज कीजिएगा और इसके बाद डाल दें आधा चम्मच यहाँ पर हल्दी का और हल्दी और नमक को हम यहाँ पर बैंगन और टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे उसके बाद हम इसको पकाएंगे ढक करके पाँच मिनट के लिए अब यहाँ पर कर देंगे गैस की फ्लेम को लो और इसे हमें एक दो बार बीच में चेक भी कर लेना है जैसे ही पाँच मिनट होंगे इसको हम चेक करते हैं यहाँ पर पाँच मिनट हो गए हैं अब यहाँ पर देखिए हमारे बैंगन और टमाटर जो अच्छे से पक गए हैं इन्हें हमें अच्छे से दे यहाँ पर मैश कर लेना है हमें यहाँ पर मैसर से मैश नहीं करना है इस तरह से चम्मच से ही अच्छे से मैश हो जाएगा क्योंकि अच्छे से गल चुका है देखिए यहाँ पर अच्छे से मैश हो गया है अब इसमें हम डालेंगे मसाले मसाले यहाँ पर बहुत ही कम यूज़ करना हमें यहाँ पर डेढ़ चम्मच यहाँ पर डालेंगे हम धनिया धनिया का टेस्ट जिसमें बहुत ही अच्छा था उसके बाद डाला आधा चम्मच गरम मसाला आधा चम्मच यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च और एक चम्मच डालेंगे हम यहाँ पर पाव भाजी मसाला पाव भाजी मसाले से जो बैंगन के भरते में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है एक बार यूज़ करके आप ज़रूर देखिएगा और इन सभी मसालों को यहाँ पर अच्छे से कर दिया है मिक्स और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा यहाँ पर कसूरी मेथी कसूरी मेथी को हमें यहाँ पर क्रश करके डाल देना है अब इसको भी हम अच्छे से कर देंगे मिक्स और इसको हम एक दो मिनट के लिए दोबारा से ढक करके पकाएंगे यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं पकाना क्योंकि हमारा बैंगन जो अच्छे से पक चुका है अब सिर्फ एक दो मिनट में यहाँ पर देखिए तेल इससे अच्छे से अलग हो गया बैंगन से और देखिए कितना अच्छा कलर आया है बैंगन की सब्जी यहाँ पर मानिए बहुत ही टेस्टी बनी थी आप भी ज़रूर बना कर देखिएगा और इसे सर्व कीजिएगा और थोड़ा सा ऊपर से डाल देते हैं हम हरा धनिया अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू एंड बाय टेक केयर